जीव कैसे जल गई आने की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10, आज है संडे और पीछे मेरे आप देख ही पा रहे होंगे साल की पहली बूंदाबांदी और बर्फबारी हो चुकी है। ये देखिए मेरे पीछे, और मैं हूँ इस टाइम नदी से थोड़े से पीछे नीचे, मतलब हम कहीं पे जा रहे हैं हनी को लेकर, और पीछे आप देख सकते हैं मेरे बर्फ ही बर्फ पड़ी। इतना ज़्यादा नहीं है पर है ही, थोड़ी बहुत है। सो एक्चुअली हम जा रहे हैं आज मार्केट तक, डॉक्टर के पास जा रहे हैं आज हम। हनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, शाम को उसको बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें बर्फ़ में भी जाना ही पड़ रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। और ये चल रहे हैं हनी और हनी के पापा। हनी हेलो, इधर देखो, हेलो गाइस, हेलो करो ना, आप तो बड़े बोल रहे थे इनकी वीडियो बनाओ। हेलो गाइस, आपको जिस चीज का इंतजार था तो फाइनली आप पीछे मेरे देख ही रहे होंगे। ये देखिए बर्फ ही बर्फ है चारों साइड, हालांकि हमारे गांव में वो बर्फ अभी गिरी नहीं है, लेकिन आप नड्डी वाली साइड आओगे तो बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेंगी। और हनी की ये फर्स्ट टाइम बर्फ है, हनी हाय करो। और बर्फ के ऊपर चल रहा है तो अब मतलब अभी इंजॉय भी आ रहा है, लेकिन अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो थोड़ा बैड फील भी हो रहा है, लेकिन अब बर्फ है तो भाई इंजॉय भी आएगा ही थोड़ा। तो चलो किसी कर रहा है हनी, बाय करो। ओके, फाइनली यार दोस्तों यहाँ पे पहुँच के ना थोड़ा नड्डी का व्यू भी यहाँ से दिख जाता है, नड्डी भी दिखती है यहाँ से, और बर्फ तो आपको आज दिख ही रही होगी चारों साइड ब्लॉग में, पीछे बैकग्राउंड में, और इस साइड भी। अभी मैं थोड़ा अगर आपको पहाड़ों का व्यू दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब बिल्कुल हर कुछ मतलब अल्टीमेट दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल वाइट कलर के है, और मतलब बिल्कुल आपको पता ही नहीं, ये इस साल की मतलब पहली बर्फ है तो मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार जो अभी बर्फ गिरी है ये जस्ट रात को ही गिरी थी, हालांकि हमारे यहाँ नहीं गिरी अभी भी। बाकी यार दोस्तों हमें आज इमरजेंसी जाना पड़ रहा है बाजार, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है। अदरवाइज इतनी ठंड में कौन बाहर निकलता है, हम अगर घर में होते तो शायद आग ही सेक रहे होते आज तो दिन भर, क्या बोलती है ना। तो हाय कर दो एक बार फिर से, चूल्हे से उठना नहीं था। ओके तो हनी हाय हेलो, किसी को देख के लग नहीं रहा, ठंड तो नहीं लग रही है इसकी तबीयत, जी कैसे जल गई आनी की। अच्छा गाड़ी गाड़ी गाना सुना देख। ओके गाड़ी आ गई है तो आज रात को इसको बहुत तेज बुखार था, मतलब बहुत गर्म हो रहा था, इसका मुंह भी लाल लाल हो गया था। हाँ तो शायद मैं तो वैसे भी गर्म है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा लेट पहुंचा था, तब तक ये जो वो सो गए थे। अभी तो ना फिलहाल बारिश गिर रही है ना बर्फ गिर रहा है, लेकिन जब हम रात को आए थे ना तो मतलब इतनी मतलब बिल्कुल बर्फ गिर रही थी और बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, साथ में तो पूरा भीग चुके थे हम उस टाइम, आती बार भी और जाती बार, मतलब कपड़े तो देखे थे आपने कितने भीगे भीगे थे। हाँ तो बारिश में ही तो आए थे हम उस टाइम। और यहाँ पे गाइस रोड थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए पीडब्ल्यूडी वाले जो सुबह ही आके रोड की जो बर्फ़ है हटा रहे हैं, और इस साइड का व्यू आप तो देख ही रहे हैं। अल्टीमेट फाइनल दोस्तों हम निकल पड़े हैं नड्डी से धर्मशाला के लिए, लेकिन रोड में जो आप बर्फ देख रहे होंगे, बर्फ़ और बर्फ़ के चलते जो गाड़ी थोड़ी स्लिप भी कर रही है, तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा अभी। बाकी पहले हनी को दिखाएंगे हम डॉक्टर के पास, और काफ़ी दिनों से इसने एक जिद डाली हुई है, बोल रहा है कि भाई मेरे को साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। एक्चुअली पुरानी इसकी साइकिल जो वो टूट गई है, तो अगर मौसम ठीक रहा तो हम सोच रहे हैं कि आज साइकिल इसको ले आएंगे, पर वो मौसम पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा ही रहा तो शायद अगर नीचे बारिश वगैरह गिर रही होगी ज़्यादा तो फिर हम नहीं लेके आएंगे साइकिल आज, बाकी देखते आगे जाके क्या होता है। फाइनली दोस्तों बाकी सारे काम हो गए हैं और हम पहुंच गए अभी सिद्धवाड़ी में, साइकिल के चक्कर में धर्मशाला जो धर्मशाला में जो वो साइकिल कहीं नहीं मिली, तो हम साइकिल के चक्कर में यहाँ पे आ गए।
और ये रही हनी की साइकिल जो अभी हो रही है रेडी ले जाने के लिए। तो दोस्तों यार फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं घर में और रात के अभी बज रहे हैं 9। और आज का जो दिन था यार दोस्तों मतलब काफी स्ट्रगल भरा था हमारे लिए काफी ज्यादा। बाकी उसके बाद हमने बाजार में भी हमने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे पर नहीं बना पाए, वो इसलिए क्योंकि बारिश भी हो रही थी नीचे वाले इलाकों में, आज बारिश हो रही थी और बाकी ठंड भी काफी ज्यादा थी। और इसको डॉक्टर के पास दिखाते दिखूते तो टाइम हो गया वैसे ही। और जब वापस आ रहे थे हम तो मतलब यार क्या ही बोले यार दोस्तों, जब धर्मशाला से निकले ना हम मतलब ओके तो मतलब नड्डी पहुंचने के लिए हमें लगभग 2.5 घंटे लग गए, पूरे 2.5 घंटे लग गए, वो इसलिए क्योंकि इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था, मतलब क्या ही बोले यार। मतलब आज तो गाड़ी में अपने अपनी नींद भी पूरी कर ली ना, क्या बोलती है, बोरिंग भरा था, बोरिंग बड़ा बोरिंग भरा दिन था आज। मतलब 2.5 घंटे लग जाना मतलब धर्मशाला से नड्डी तक, मतलब आप सोच ही सकते हो कैसी फीलिंग आ रही होगी। बाकी ये भी फिर तंग करने लग पड़ा गाड़ी में, मतलब बैठ बैठ के ये भी तंग हो गया, मतलब बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, तो इसने भी काफी तंग किया। बाकी इसको डॉक्टर के पास दिखाया था हमने और इसकी काफी दिनों से बड़ी जिद थी कि पप्पू साइकिल लेनी, मम्मा साइकिल लेनी, साइकिल लेनी, क्योंकि इसकी जो पुरानी साइकिल थी एक्चुअली वो टूट गई है ना, तो टूट गई है फिर। तो मैंने सोचा यार अब गए हुए हैं, गाड़ी लेके गए थे बाइक, क्योंकि आज बाइक में जाना तो मुश्किल था इसलिए हमने गाड़ी की हुई थी, तो टैक्सी में गए थे हम आज। बाकी फिर मैंने सोचा इसको साइकिल ले लेते हैं आज, फिर हम चले गए धर्मशाला में तो मिलनी नहीं थी साइकिल, बाकी हम चले गए दाढ़ी में, तो दाढ़ी में मिली थी साइकिल तो इसके लिए लेकर आए। वैसे इसका कलर जो था फेवरेट वो ब्लू कलर था ना, बोलता है ब्लू कलर की साइकिल चाहिए मम्मी, पर ब्लू कलर की जो थी वो नहीं मिली, फाइनली रेड कलर की मिल गई थी। लेकिन अभी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको, अंदर है वो, अगले ब्लॉग में वो भी दिखा दूंगा इसकी साइकिल जो वो। तो फाइनली हमने इसके लिए साइकिल भी ले ली, पर लेकिन शूट किया था मैंने, वो डाला हुआ है वैसे, वो दुकान का शूट तो मैंने डाला हुआ है कि साइकिल वगैरह ले लिया ये वो। हाँ बाकी दोस्तों यार हमने बर्फ के भी एंजॉय ले ही लिए है ना, आती बार भी जाती बार भी। ये किसका बटरू है? ओके तो मतलब काफी दिनों से आपको भी इंतजार था बर्फ का कि बर्फ गिरेगी, तो बर्फ का ब्लॉग भी आपने फाइनली देख लिया। हमें बड़ा इंतजार होता जब पहली बार पड़े, मतलब हाँ जी बिल्कुल पहली बार पड़ा था इस साल का बर्फ। बाकी यार दोस्तों 2022 लग पड़ा है, 2021 जो था बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। मतलब 2021 में हमारे 1000 मतलब एक जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, ऊपर से 4000 घंटे का बॉस टाइम भी पूरा हुआ, ऊपर से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ 2021 में ही, हमारे $10 कंप्लीट हुए, हमारे $100 भी कंप्लीट हुए 2021 में ही। तो मतलब कुल मिला के काफी बढ़िया रहा हमारा 2021 हमारे चैनल के लिए, है ना, क्या बोलते हो, काफी प्यार दिया आपने, काफी सपोर्ट कर रहे हो आप, तो बस अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जो वो आगे भी बनाए रखें। बाकी 3-4 हफ्तों से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, वो इसलिए कि शेड्यूल जो हमारा काफी बिजी चल रहा है। हम तो सोचते हैं कि हर संडे को लाइव आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मतलब लाइव आ ही नहीं पाते है ना, तो कोई भाई हमारे कमेंट भी कर रहे थे हम पर आ नहीं पाते, भाई कोई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप आ जाओ लाइव आ जाओ, लेकिन अगले संडे को बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि लाइव आ ही जाए, क्योंकि आपको भी काफी वेट रहता है कि लाइव आएंगे, क्योंकि लाइव बातचीत चलती तो काफी मतलब मजा आता है मतलब एक बात करने का। बाकी छोटा सा ब्लॉग था, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जो वो बनाए रखे। बाकी हनी बाय कर लो एक बार सबको, ओके बाय, ओके तो बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, यानी बाय करो, गुड नाइट करो सबको, गुड नाइट किसी करते या से कौन करते, ओके बाय बाय।